गोल्ड द ड्रीम्स दैट यूनाइटेड अवर नेशन ईयर, बस गोल्ड एक 2018 के भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड स्पोर्ट्स फिल्म है जो रीमा कादगी द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी द्वारा निर्मित है। फिल्म में अक्षय कुमार, मौनी रॉय, अमित साध, कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, सनी कौशल और निकिता दत्ता जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म के निर्देशक रीमा कादगी द्वारा लिखित, पटकथा रीमा कादगी, संवाद राजेश देवराज, कहानी रीमा कादगी राजेश देवराज द्वारा उत्पादित, रितेश सिंधवानी, फरहान अख्तर, अभिनीत अक्षय कुमार, मौनी रॉय, कुणाल कपूर, अमित साध, विनीत के सिंह, सनी कौशल और निकिता दत्ता। छायांकन अल्वारो गुतीरेज द्वारा संपादित आनंद सुबिया, संगीत दिया है गाने और स्कोर जी करके, अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और कोपारो मुखर्जी। उत्पादन एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 15 अगस्त 2018। कार्यकारी समय 191 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 61 करोड़। बॉक्स ऑफिस 158 करोड़। गोल्ड 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम की यात्रा पर आधारित है और तपन दास पर आधारित है जिसने उसी स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ के बजट के मुकाबले 158 करोड़ की कमाई की। गोल्ड सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई है। इसे 13 दिसंबर 2019 को चीनी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कहानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय से शुरू होती है जब भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला था। जर्मनों द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीयों ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया। जब टीम की के सहायक प्रबंधक तपन दास अक्षय कुमार ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया, जब कप्तान सम्राट कुणाल कपूर और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रगान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है। लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द किए गए हैं। युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ैल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है। वह भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है। 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौसिखिया हॉकी टीम के स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया। तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करते हैं। वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है। टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट को अब
सेना निवृत्त हो चुके हैं से मिलता है, लेकिन सम्राट ने मना कर दिया और टीम के साथी इम्तियाज अली शाह विनीत कुमार सिंह को सुझाव दिया। इम्तियाज सम्राट के साथ 1936 के ओलंपिक में एक महान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे। तपन इम्तियाज से मिलता है और वे स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने और शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं। भारत की आज़ादी निकट आने पर तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है। अंत तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों से खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई। इनमें मध्य भारत और पंजाब के प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, अमित साध और हिम्मत सिंह सनी कौशल शामिल है। इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है, जब कुछ हिंदुओं और सिखों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन तपन और हिम्मत ने उसे बचा लिया। वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें निराशा होती है। उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है। दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया। दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई। आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती है, जबकि कुछ अन्य मुख्य रूप से एग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल में अभ्यास के लिए टीम को लाया। आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वस्त है, क्योंकि वह हॉकी और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तपन के ही पैसों से टीम को यहाँ लाया गया और उनकी पत्नी मोनोबीना दास मोनीरोय भी उनका समर्थन करती है और उनके सपने को साकार करने में मदद करती है। प्रशिक्षण शुरू हो गया है, लेकिन कई विवादों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है। अपने घमंड पर कायम रहने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाले हिम्मत से पार पाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक कुशल खिलाड़ी है। तपन और सम्राट अंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं। सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर को कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है, जिसका उपयोग ओलंपिक के सही समय पर किया जाना चाहिए। श्री वाड़िया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ईशालू मेहता अतुल काले ने अपने एपे के में कुछ खराब शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है। टीम को अब मेहता द्वारा लंदन के ओलंपिक स्तर पर लाया गया है, लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है। जब वे उनके खिलाफ शिकायत करते हैं कि श्री वाड़िया फिर तपन को बुलाते हैं और तपन श्री वाड़िया के आशीर्वाद से लंदन आते हैं, जो स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे। ओलंपिक शुरू हो गया, लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है।
भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है, हिम्मत को लगता है कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है। एक जश्न के दौरान हिम्मत और रघुवीर लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है, जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है। देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था, लेकिन सब व्यर्थ। अंत सेमीफाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। तपन इसका कारण बताते हैं कि लीग मैचों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में वे निशान लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है, लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ पहले हाफ के दौरान हिम्मत को फिर से बेंच पर बैठाया गया और ग्रेट ब्रिटेन ने 2 गोल किए। आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में तीखी बहस हुई। जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने से इनकार कर दिया, तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता है और उन्हें बताता है कि वह अपने सपने को साकार होते देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चल रहा है। वह रघुवीर को यह कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह अब टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो हिम्मत खेलते नजर आता है और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं। हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी, तपन ने जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा। आखिरकार हिम्मत ने आखिरी मिनट में किए गए गोल से भारत ने 4-3 से मैच जीता। अंत में जब कप्तान देवांग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जनगणमन गान बजाया जाता है। गौरवान्वित तपन ने वंदे मातरम भारत की जय शब्दों के साथ कथा का समापन किया, क्योंकि राष्ट्रगान समाप्त होता है और खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। कास्ट: तपन दास के रूप में अक्षय कुमार, एसी चटर्जी पर आधारित। तपन की पत्नी मोनोबिसा दास के रूप में मोनी रॉय, सम्राट के रूप में कुणाल कपूर, ध्यानचंद से प्रेरित एक किरदार। रघुवीर प्रताप सिंह के रूप में अमित साध, केडी सिंह से प्रेरित एक किरदार। इम्तियाज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह, अली दारा से प्रेरित एक चरित्र। हिम्मत सिंह के रूप में सनी कौशल, बलबीर सिंह सीनियर से प्रेरित एक किरदार। सिमरन के रूप में निकिता दत्ता, इवान रोगिंस खेल अधिकारी के रूप में सर जेम्स वेन्स के रूप में एंड्रयू हेविल, सूर्य कांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर, देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधु, तेज सिंह रांधवा के रूप में भावशील सिंह सहानी, हारिज के रूप में अब्दुल कादिर अमीन, असीम बिलाल के रूप में वरुण सिंह राजपूत, बशीर अहमद के रूप में परवीन जायसवाल, श्री मेहता के रूप में अतुल काले, डेरिस श्रॉफ, मिस्टर रेवाड़िया के रूप में
ब्लैंकफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी लेसी कलाडिस से प्रेरित एक चरित्र स्कारलेट मेलिस विल्सन आइटम नंबर मोनोबिना के रूप में। उत्पादन विकास। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में इसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अनुबंधित किया गया था। प्रमुख शूटिंग यॉर्कशायर और द मिडलैंड्स इंग्लैंड में की गई थी। निर्देशक श्री रीमा कादगी ने कहा, जो कुछ हुआ उस पर यह एक काल्पनिक कहानी है, साथ ही यह सिर्फ 1948 की स्वर्णिम जीत की नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, बल्कि इसमें भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण वर्ष शामिल होंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 जुलाई 2017 को ब्रेंटफोर्ड इंग्लैंड में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग यॉर्कशायर के ब्रेंटफोर्ड डोनकास्टर और रदरहैम में की गई थी। इंग्लैंड शेड्यूल खत्म करने के बाद गोल्ड के प्रोडक्शन टीम सितंबर 2017 में अपने दूसरे शेड्यूल के लिए पंजाब चली गई, जिसमें शूटिंग अमृतसर और पटियाला में की गई। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पंजाब के धारीवाल शहर के न्यू एक्टनगुलम मिल्स में भी की गई थी। इसका कारण लंबे समय से स्थापित मिल में ब्रिटिश बुनियादी ढांचा था, जो स्वतंत्रता के बाद के युग जैसा दिखता था। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2017 में मुंबई में पूरा हो गया था। 10 दिसंबर 2017 को अक्षय कुमार ने घोषणा की कि गोल्ड की फिल्मांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। गीत और संगीत। गोल्ड का संगीत जारी किया गया 23 जुलाई 2018 को। रिकॉर्डिंग 17 से 2018 तक चली। लंबाई 25 मिनट और 27 सेकंड। लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर सचिन जिगर द्वारा तैयार किया गया था। अतिरिक्त गाने आरको पार्वो मुखर्जी और तनिष्क बागची द्वारा रचित थे। गाने के बोल जावेद अख्तर, वायु आरको पार्वो मुखर्जी और चंद्रजीत गांगुली ने लिखे थे। इस फिल्म में 7 गीत और नंबर 1 पर आता है नैनों ने बांधी। इस गीत को बोल दिया आरको ने और संगीत भी आरको ने दिया है, और इस गीत को गाया यासिर देसाई ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है चढ़ गई है। इस गीत को बोल दिया है वायु ने और संगीत तैयार किया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है विशाल ददलानी सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 5 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है घर लाएंगे गोल्ड। इस गीत को बोल दिया है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है दिलेर मेहंदी सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 23 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मोनोबिना। इस गीत को बोल दिया है वायु ने और इसको संगीत दिया है तनिष्क बागची ने, और इस गीत को गाया यासर देसाई, मोनाली ठाकुर, सासा तिरुपति और फरदा भिंडीवाला ने। 3 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है खेल खेल में। इस गीत को बोल दिया है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है के सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 12 सेकंड
सेकंड का यह गीत है, नंबर 6 पर आता है रास्ता रास्ता। इस गीत को बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया सुखविंदर सिंह। सचिन जिगर ने 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गाना है। नंबर 7 पर आता है जागा हिंदुस्तान। इस गीत को बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। 5 मिनट और 7 सेकंड का यह गीत है। पूरे साउंड ट्रैक की लंबाई में 25 मिनट और 27 सेकंड का यह साउंड ट्रैक है। फिल्म के अंदर मार्केटिंग और रिलीज। फिल्म का टीजर 5 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का पहला पोस्टर अक्षय कुमार ने 28 अप्रैल 2018 को अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया था। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2018 को जारी किया गया था। फिल्म को प्रमोट करने के लिए ट्विटर पर कुछ इमोजी लॉन्च किए गए, जो गोल्ड मूवी या गोल्ड 2018 जैसे विशिष्ट कीवर्ड से पहले हैशटैग लगाकर काम करते थे। ये इमोजी 16 अगस्त 2018 तक प्रभावी थे। भारत ने में फिल्म 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3,040 करोड़ पर रिलीज हुई और सत्यमेव जयते के साथ भारी टकरा रही। भारत में रिलीज होने के बाद गोल्ड को 13 दिसंबर 2019 को चीन में रिलीज किया गया था। इसे 1947 के विभाजन के चित्रण के संबंध में आकांक्षाओं के लिए पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। बॉक्स ऑफिस 61 करोड़ के बजट में बनी गोल्ड ने दुनिया भर में 151.43 करोड़ की कमाई की। भारत में गोल्ड का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 13.25 करोड़ रुपए रहा। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 25.25 करोड़ की कमाई की। यह साल की सबसे बड़ी शुरुआती रिलीज के रूप में बन गई। चूंकि यह बुधवार के दिन रिलीज हुई थी, इसलिए इसका 5 दिनों का विस्तारित सप्ताह था। इसने भारत में 71.10 करोड़ की कमाई की। फिल्म का विस्तारित 9 दिनों का सप्ताह का शुद्ध संग्रह 89.30 करोड़ था। इसने तीसरे सप्ताह के अंत तक गोल्ड ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ की कमाई कर ली थी। इसने भारत में पूरे थिएटर में 109.58 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने घरेलू स्तर पर 141.04 करोड़ का सकल संग्रह किया। प्रवासी विदेशों में गोल्ड ने जीवन भर में कुल 17.88 करोड़ की कमाई की रखने का फैसला करते हैं। भारत की आज़ादी निकट आने पर तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है। अंत तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों से खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई। इनमें मध्य भारत और पंजाब के प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर, रघुवीर प्रताप सिंह, अमित साध और हिम्मत सिंह, सनी कौशल शामिल है। इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है, जब कुछ हिंदुओं और सिखों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन तपन और हिम्मत ने उसे बचा लिया। वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें निराशा होती है। उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है। दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया। दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई।
आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती है, जबकि कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल में अभ्यास के लिए टीम को लाया। आश्रम के प्रमुख भिक्षु अश्वत्थ है, क्योंकि वह हॉकी और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तपन के ही पैसों से टीम को यहाँ लाया गया और उनकी पत्नी मोनोबीना दास मोनीरोय भी उनका समर्थन करती है और उनके सपने को साकार करने में मदद करती है। प्रशिक्षण शुरू हो गया है, लेकिन कई विवादों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है। अपने घमंड पर कायम रहने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाले हिम्मत से पार पाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक कुशल खिलाड़ी है। तपन और सम्राट अंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं। सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर को कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका उपयोग ओलंपिक के सही समय पर किया जाना चाहिए। श्री वाड़िया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ईशालू मेहता अतुल काले ने अपने एपे के में कुछ खरा शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है। टीम को अब मेहता द्वारा लंदन के ओलंपिक स्तर पर लाया गया है, लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है। जब वे उनके खिलाफ शिकायत करते हैं कि श्री वाड़िया फिर तपन को बुलाते हैं और तपन श्री वाड़िया के आशीर्वाद से लंदन आते हैं, जो स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे। ओलंपिक शुरू हो गया, लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है, हिम्मत को लगता है कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है। एक जश्न के दौरान हिम्मत और रघुवीर लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है, जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है। देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था, लेकिन सब व्यर्थ। अंत सेमीफाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। तपन इसका कारण बताते हैं कि लीग मैचों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में वे निशान लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है, लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ पहले हाफ के दौरान हिम्मत को फिर से बेंच पर बैठाया गया और ग्रेट ब्रिटेन ने 2 गोल किए। आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में तीखी बहस हुई। जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने से इनकार कर दिया, तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता है और उन्हें बताता है कि वह अपने सपने को साकार होते देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चल रहा है।
वह रघुवीर को यह कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह अब टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो हिम्मत खेलते नजर आता है और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं। हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी, तपन ने जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा। आखिरकार हिम्मत ने आखिरी मिनट में किए गए गोल से भारत ने 4-3 से मैच जीता। अंत में जब कप्तान देवांग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जनगणमन गान बजाया जाता है। गौरवान्वित तपन ने वंदे मातरम भारत की जय शब्दों के साथ कथा का समापन किया, क्योंकि राष्ट्रगान समाप्त होता है और खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। कास्ट: तपन दास रूप दास के रूप में अक्षय कुमार, एसी चटर्जी पर आधारित। तपन की पत्नी मोनोबिसा दास के रूप में मोनी रॉय, सम्राट के रूप में कुणाल कपूर, ध्यानचंद से प्रेरित एक किरदार। रघुवीर प्रताप सिंह के रूप में अमित साध, केडी सिंह से प्रेरित एक किरदार। इम्तियाज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह, अली दारा से प्रेरित एक चरित्र। हिम्मत सिंह के रूप में सनी कौशल, बलबीर सिंह सीनियर से प्रेरित एक किरदार। सिमरन के रूप में निकिता दत्ता, इवान रोगिंस खेल अधिकारी के रूप में, सर जेम्स वेन्स के रूप में एंड्रयू हेविल, सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर, देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू, तेज सिंह रांधवा के रूप में भावशील सिंह सहानी, हारिज के रूप में अब्दुल कादिर अमीन, असीम बिलाल के रूप में वरुण सिंह राजपूत, बशीर अहमद के रूप में परवीन जायसवाल, श्री मेहता के रूप में अतुल काले, डेरिस श्रॉफ, मिस्टर रेवाड़िया के रूप में लैंगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी, लेसी कलाडिस से प्रेरित एक चरित्र। स्कारलेट मेलिस विल्सन, आइटम नंबर मोनोबिना के रूप में। उत्पादन विकास: फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में इसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अनुबंधित किया गया था। प्रमुख शूटिंग यॉर्कशायर और द मिडलैंड्स इंग्लैंड में की गई थी। निर्देशक श्री रीमा कादगी ने कहा, जो कुछ हुआ उस पर यह एक काल्पनिक कहानी है, साथ ही यह सिर्फ 1948 की स्वर्णिम जीत की नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, बल्कि इसमें भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण वर्ष शामिल होंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 जुलाई 2017 को ब्रेंटफोर्स इंग्लैंड में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग यॉर्कशायर के ब्रेंटफोर्ड, डोनकास्टर और रदरहैम में की गई थी। इंग्लैंड शेड्यूल खत्म करने के बाद गोल्ड के प्रोडक्शन टीम सितंबर 2017 में अपने दूसरे शेड्यूल के लिए पंजाब चली गई, जिसमें शूटिंग अमृतसर और पटियाला में की गई। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पंजाब के धारीवाल शहर के न्यू एक्टनवुलम मिल्स
में भी की गई थी। इसका कारण लंबे समय से स्थापित मिल में ब्रिटिश बुनियादी ढांचा था, जो स्वतंत्रता के बाद के युग जैसा दिखता था। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2017 में मुंबई में पूरा हो गया था। 10 दिसंबर 2017 को अक्षय कुमार ने घोषणा की कि गोल्ड की फिल्मांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। गीत और संगीत। गोल्ड का संगीत जारी किया गया 23 जुलाई 2018 को। रिकॉर्डिंग 17 से 2018 तक चली। लंबाई 25 मिनट और 27 सेकंड। लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर सचिन जिगर द्वारा तैयार किया गया था। अतिरिक्त गाने आरको पार्वो मुखर्जी और तनिष्क बागची द्वारा रचित थे। गाने के बोल जावेद अख्तर, वायु आरको पार्वो मुखर्जी और चंद्रजीत गांगुली ने लिखे थे। इस फिल्म में 7 गीत और नंबर 1 पर आता है नैनों ने बांधी। इस गीत को बोल दिया आरको ने और संगीत भी आरको ने दिया है, और इस गीत को गाया यासिर देसाई ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है चढ़ गई है। इस गीत को बोल दिया वायु ने और संगीत तैयार किया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है विशाल ददलानी सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 5 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है घर लाएंगे गोल्ड। इस गीत को बोल दिया जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है दिलेर मेहंदी सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 23 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है मोनो बिना। इस गीत को बोल दिया वायु ने और इसको संगीत दिया है तनिष्क बागची ने, और इस गीत को गाया यासर देसाई, मोनाली ठाकुर, सासा तिरुपति और फरदा भिंडीवाला ने। 3 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है खेल खेल में। इस गीत को बोल दिया है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है के सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 12 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है रास्ता रास्ता। इस गीत को बोल दिए है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया सुखविंदर सिंह सचिन जिगर ने। 3 मिनट और 3 सेकंड का यह गाना है। नंबर 7 पर आता है जागा हिंदुस्तान। इस गीत को बोल दिया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार और सचिन जिगर ने। 5 मिनट और 7 सेकंड का यह गीत है। पूरे साउंड ट्रैक की लंबाई में 25 मिनट और 27 सेकंड का यह साउंड ट्रैक है। फिल्म के अंदर मार्केटिंग और रिलीज। फिल्म का टीजर 5 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का पहला पोस्टर अक्षय कुमार ने 28 अप्रैल 2018 को अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया था। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2018 को जारी किया गया था। फिल्म को प्रमोट करने के लिए ट्विटर पर कुछ इमोजी लॉन्च किए गए, जो गोल्ड मूवी या गोल्ड 2018 जैसे विशिष्ट कीवर्ड से पहले हैशटैग लगाकर काम करते थे। ये इमोजी 16 अगस्त 2018 तक प्रभावी थे। भारत ने में फिल्म 15 अगस्त 2018 को उस भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3,040 स्क्रीन पर रिलीज हुई और सत्यमेव जयते के साथ भारी टकरा रही। भारत में रिलीज होने के बाद गोल्ड को 13 दिसंबर 2019 को चीन में रिलीज किया गया था। इसे 1947 के विभाजन के चित्रण के संबंध में आकांक्षाओं के लिए पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। बॉक्स ऑफिस 61 करोड़ के बजट में बनी गोल्ड
ने दुनिया भर में 151.43 करोड़ की कमाई की। भारत में गोल्ड का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 13.25 करोड़ रुपए रहा। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 25.25 करोड़ की कमाई की। यह साल की सबसे बड़ी शुरुआती रिलीज के रूप में बन गई। चूंकि यह बुधवार के दिन रिलीज हुई थी, इसलिए इसका 5 दिनों का विस्तारित सप्ताह था। इसमें इसने भारत में 71.10 करोड़ की कमाई की। फिल्म का विस्तारित 9 दिनों का सप्ताह का शुद्ध संग्रह 89.30 करोड़ था। इसने तीसरे सप्ताह के अंत तक गोल्ड ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ की कमाई कर ली थी। इसने भारत में पूरे थिएटर में 109.58 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने घरेलू स्तर पर 141.04 करोड़ का सकल संग्रह किया। प्रभाव से विदेशों में गोल्ड ने जीवन भर में कुल 17.88 करोड़ की कमाई की रखने का फैसला करते हैं। भारत की आज़ादी निकट आने पर तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है। अंत तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों से खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई। इनमें मध्य भारत और पंजाब के प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर, रघुवीर प्रताप सिंह, अमित साध और हिम्मत सिंह, सनी कौशल शामिल है। इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है, जब कुछ हिंदुओं और सिखों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन तपन और हिम्मत ने उसे बचा लिया। वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें निराशा होती है, उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है। दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया। दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई। आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती है, जबकि कुछ अन्य मुख्य रूप से एग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल में अभ्यास के लिए टीम को लाया। आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वस्त है, क्योंकि वह हॉकी और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तपन के ही पैसों से टीम को यहाँ लाया गया और उनकी पत्नी मोनोबीना दास मोनीरोय भी उनका समर्थन करती है और उनके सपने को साकार करने में मदद करती है। प्रशिक्षण शुरू हो गया है, लेकिन कई विवादों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है। अपने घमंड पर कायम रहने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाले हिम्मत से पार पाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक कुशल खिलाड़ी है। तपन और सम्राट अंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं। सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर को कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है, जिसका उपयोग ओलंपिक के सही समय पर किया जाना चाहिए। श्रीवाड़िया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ईशालू मेहता अतुल काले ने अपने एपे के में कुछ शराब मिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित
पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है। टीम को अब मेहता द्वारा लंदन के ओलंपिक स्तर पर लाया गया है, लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है। जब वे उनके खिलाफ शिकायत करते हैं कि श्री वाड़िया फिर तपन को बुलाते हैं और तपन श्री वाड़िया के आशीर्वाद से लंदन आते हैं, जो स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे। ओलंपिक शुरू हो गया, लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है, हिम्मत को लगता है कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है। एक जश्न के दौरान हिम्मत और रघुवीर लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है, जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है। देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था, लेकिन सब व्यर्थ। अंत सेमीफाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। तपन इसका कारण बताते हैं कि लीग मैचों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में वे निशान लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है, लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ पहले हाफ के दौरान हिम्मत को फिर से बेंच पर बैठाया गया और ग्रेट ब्रिटेन ने 2 गोल किए। आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में तीखी बहस हुई। जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने से इनकार कर दिया, तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता है और उन्हें बताता है कि वह अपने सपने को साकार होते देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चल रहा है। वह रघुवीर को यह कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह अब टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो हिम्मत खेलते नजर आता है और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं। हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी, तपन ने जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा। आखिरकार हिम्मत ने आखिरी मिनट में किए गए गोल से भारत ने 4-3 से मैच जीता। अंत में जब कप्तान देवांग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जनगणमन गान बजाया जाता है। गौरवान्वित तपन ने वंदे मातरम भारत की जय शब्दों के साथ कथा का समापन किया, क्योंकि राष्ट्रगान समाप्त होता है और खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। कास्ट: तपन दास के रूप में अक्षय कुमार, एसी चटर्जी पर आधारित। तपन की पत्नी मोनोबिसा दास के रूप में मोनी रॉय, सम्राट के रूप में कुणाल कपूर, ध्यानचंद से प्रेरित एक किरदार। रघुवीर प्रताप सिंह के रूप में अमित साध, केडी सिंह से प्रेरित एक किरदार। इम्तियाज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह, अली दारा से प्रेरित एक चरित्र। हिम्मत सिंह के रूप में सनी कौशल, बलबीर सिंह सीनियर से प्रेरित एक किरदार। सिमरन के रूप में निकिता दत्ता,
इवान रोगिंस खेल अधिकारी के रूप में, सर जेम्स वेन्स के रूप में एंड्रयू हेविल, सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर, देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधु, तेज सिंह रांधवा के रूप में भावशील सिंह सहानी, हारिज के रूप में अब्दुल कादिर अमीन, असीम बिलाल के रूप में वरुण सिंह राजपूत, बशीर अहमद के रूप में परवीन जायसवाल, श्री मेहता के रूप में अतुल काले, डेरिस श्रॉफ, मिस्टर रेवाड़िया के रूप में लैंगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी, लेसी कलाडिस से प्रेरित एक चरित्र स्कारलेट मेलिस विल्सन, आइटम नंबर मोनोबिना के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में इसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अनुबंधित किया गया था। प्रमुख शूटिंग यॉर्कशायर और द मिडलैंड्स इंग्लैंड में की गई थी। निर्देशक श्री रीमा कादगी ने कहा, जो कुछ हुआ उस पर यह एक काल्पनिक कहानी है, साथ ही यह सिर्फ 1948 की स्वर्णिम जीत की नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, बल्कि इसमें भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण वर्ष शामिल होंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 जुलाई 2017 को ब्रेंटफोर्ड इंग्लैंड में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग यॉर्कशायर के ब्रेंटफोर्ड, डोनकास्टर और रदरहैम में की गई थी। इंग्लैंड शेड्यूल खत्म करने के बाद गोल्ड के प्रोडक्शन टीम सितंबर 2017 में अपने दूसरे शेड्यूल के लिए पंजाब चली गई, जिसमें शूटिंग अमृतसर और पटियाला में की गई। फिल्म राजीव हरिओम भाटिया पेशेवर के रूप में जाना जाता है। अक्षय कुमार एक भारतीय मूल है कि है देशीकृत कनाडा अभिनेता, भारतीय निर्माता, मार्शल कलाकार और टेलीविजन व्यक्तित्व जो बॉलीवुड में काम करते हैं। मुख्य रूप से मुंबई में स्थित व्यावसायिक हिंदी भाषा की फिल्म उद्योग 29 से अधिक वर्षों में अक्षय कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। इन कुमार हिंदी सिनेमा में सबसे सफल विपुल अभिनेताओं में से एक है। 113 फिल्मों, 52 जिनमें व्यावसायिक रूप से सफल रहे थे, में अभिनय करने के बाद वे बॉलीवुड के अभिनेता जिनकी फिल्में थे घरेलू शुद्ध जीवन भर संग्रह पार 20 अरब 270 मिलियन 2013 तक और 30 अरब US में 400 मिलियन 2016 तक। इनका नाम राजीव हरि ओम भाटिया है। इनका जन्म 1967 में हुआ, या 54 वर्ष की उम्र के हैं। सक्रिय वर्ष वर्तमान से अभी तक पेशा अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना, संतान दो, रिश्तेदार राजेश खन्ना, ससुर डिंपल कपाड़िया, सास रिंकी खन्ना, भाभी। अक्षय कुमार ने 1991 से सौगंध के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन मुख्य धारा की उनकी पहली सफलता 1 साल बाद एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी के साथ आई। फिल्म ने उन्हें 1990 के दशक में एक एक्स
एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया और कुमार अभिनीत कई फिल्मों में से पहली थी, जिसे बाद में अन्य एक्शन फिल्मों के अलावा आमतौर पर खिलाड़ी फिल्म श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि ये दिल लगी 1994 में रोमांस के साथ उनके शुरुआती प्रयास को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। यह अगले दशक में था कि कुमार ने अपनी भूमिकाओं की सीमा का विस्तार किया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन 2000, अंदाज 2003 और नमस्ते लंदन 2007 के साथ ड्रामा फिल्मों के लिए पहचान हासिल की। वक्त 2005 और पटियाला हाउस 2011, हेरा फेरी 2000, मुझसे शादी करोगी 2004, भूल भुलैया 2007 और सिंह इज किंग 2008 जैसी फिल्मों में उनके हास्य अभिनेताओं का प्रशंसा मिली। कुमार ने अजनबी 2001 में उनकी नकारात्मक भूमिका और गरम मसाला 2005 में उनके हास्य प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जबकि उनके करियर में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव आया था। उनकी मुख्य धारा की सफलता 2007 में भारत में लगातार 4 बॉक्स ऑफिस पर हिट के साथ बढ़ी। यह 2009 और 2011 के बीच पेशेवर असफलताओं की एक छोटी अवधि का सुसंगत था, जिसके बाद उन्होंने राबड़ी राठौर 2012 और हॉलीडे 2014 सहित कई फिल्मों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्मों की आलोचना तमक प्रक्रिया में सुधार हुआ। स्पेशल 26 2013, बेबी और एयरलिफ्ट में उनके काम के लिए अनुकूल समीक्षाओं के बाद उन्हें मिला। 2016 में उन्होंने क्राइम थ्रिलर रुस्तम 2016 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने सामाजिक फिल्में टॉयलेट, एक प्रेम कथा 2017 और पैडमैन 2018 और युद्ध फिल्म केसरी 2019 के लिए अधिक नोटिस अर्जित किया। अभिनय के अलावा कुमार ने एक स्टंट अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने अक्सर अपनी फिल्मों में कई खतरनाक स्टंट किए, जिसने उन्हें इंडियन जैकी जैन का उपनाम मिला। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी शो की मेजबानी की। 2008 में विटसन विश्वविद्यालय के ने कुमार को डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 2009 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्होंने हरि ओम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और ग्राजिक बकरी पिक्चर्स की स्थापना की। 2012 में प्रोडक्शन कंपनी, 2014 में कुमार ने टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया। वह विश्व कबड्डी लीग में टीम खालसा वॉरियर्स के मालिक हैं। 2015 और 2019 तक कुमार फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजन कर्ताओं की सूची में 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई करने के साथ 52 स्थान पर थे और सूची में एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता 2020 में उनके फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता के रूप में स्थान दिया गया था। 2011 के कनाडाई संघीय चुनाव के दौरान या उनके कुछ समय बाद कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून को लागू करके कुमार को कनाडा की नागरिकता प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य विकास आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोनी क्लिमेट के अनुसार कुमार को अपनी कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापारिक संबंधों वाणिज्य संबंधों के प्रस्ताव के बदले में नागरिकता प्रदान की गई थी। फिल्म क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र में कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब, भारत में हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के यहाँ एक पंजाबी परिवार में हुआ था।
उनके पिता एक सेना अधिकारी थे। कुमार छोटी उम्र से ही खेलों में बहुत रुचि रखते थे। उनके पिता ने भी कुश्ती का आनंद लिया। वह दिल्ली के चांदनी चौक में रहते और पले बड़े और बाद में वह मुंबई चले गए। जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनने के लिए सेना छोड़ दी, जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेंट्रल बॉम्बे में पंजाबी बहु इलाके कोलीवाड़ा में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल मोटुंगा से प्राप्त की। साथ ही कराटे सीखते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसे जुटाए। कुमार मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई बॉक्सिंग सीखने ते हुए 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भाटिया। जब कुमार किशोर थे तो उनके पिता ने पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में मार्शल आर्ट का अध्ययन किया, जहां उन्होंने माय थाई सीखे और सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता में एक ट्रेवल एजेंसी में, ढाका के एक होटल में सेफ के रूप में और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन के आभूषण बेचे। मुंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का शिक्षण शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्र के पिता, जो खुद एक मॉडल सम्यक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश दी, जिसके कारण अंततः एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट का नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने के वेतन की तुलना में शूटिंग के पहले 2 दिनों के भीतर प्रवासी रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले पोर्टफोलियो की शूटिंग के लिए बिना भुगतान के फोटोग्राफर जेट सेट्स के सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन शूट के लिए अपनी उड़ान से चूक गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक फिल्म स्टूडियो का दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म दीदार के लिए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। और फिल्म बात करते हैं फिल्मी कैरियर। कुमार ने सौगंध 1991 में राखी और शांति प्रिया के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर व्यास निर्देशित डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापक रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया। द इंडियन एक्सप्रेस में एक समीक्षा ने फिल्म को एक मनोरंजन थ्रिलर कहा और कुमार मुख्य भूमिका में प्रभावशाली बताए। उनकी शारीरिक उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से सहज होने के लिए उनकी सराहना की गई। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज सिप्पी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड थी। उनकी 1992 की अंतिम रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 1993 में उन्होंने डॉक्टर विष्णुवर्धन और अश्वनी भावे के साथ केशु राम से निर्देशित द्विभाषी फिल्म आशांत में काम किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्में, जिसमें दिल की बाजी, कायदा कानून, वक्त हमारा है और सैनिक शामिल है, ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 पिक्चर फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर
मलकान में मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी और राजीव राय की मोरा दोनों साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। उस वर्ष बाद में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा निर्मित रोमांस ये दिल लगी में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनके प्रदर्शन दोनों को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा भरोसेमंद बताया और उनके प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और कम बजट की एक्शन फिल्म ऐलान जैसी फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसके बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई। उनके पूर्व में दोहरी भूमिका खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को से अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता एक साल के अंत में समीक्षा में लिखा, यह अक्षय कुमार था खिलाड़ियों का खिलाड़ी जो इस बारे में गलियारों पर कोई संदेह नहीं। वह एक चालाक थोड़ा चोटी में अपने बालों को वापस बहुत पसंद। स्टीवन सैगल टकले लंबाई महान पहनी थी। कोट राव ने अंडरटेकर के साथ कुश्ती लड़ी और फिल्म लेकर चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया। जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के साथ अभिनय किया जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी किस्त थी। श्रृंखला की उनकी पिछली किस्तों के विपरीत यह व्यावसायिक रूप से विफल रही। हालांकि रोमांटिक एक्शन फिल्म में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफी सफलता मिली अफलातून। समीक्षक खालिद मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार के प्रयास को मंजूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए भी वे इस अवसर पर उठते हैं। उनकी निम्नलिखित रिलीज व्यावसायिक रूप से विफल रही। इससे उनके फिल्मी कैरियर को झटका लगा। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जवाहर फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली जबकि पूर ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाला व्यावसायिक रूप से सफल रहा और उनकी वापसी को चिन्हित किया। 2000 में कुमार ने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रिमेक थी एक व्यावसायिक सफलता बन गई और कुमार के कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानवीय स्थिति की अति यथार्थता का ग्रहण किया, नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश दर्शन निर्देशित रोमांटिक ड्रामा धड़कन में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया लेकिन कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया कि उन्होंने साबित कर दिया कि वह निर्देशक के अभिनेता हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोरा द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 में
अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए, जहां वे एक दौड़ते हुए विमान पर चढ़े, 1,000 फीट हवा में उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़े हुए और कूद गए। एक गर्म हवा के गुब्बारे पर विमान, बाद के दृश्य में उन्हें एक कार द्वारा पीछा करते हुए, गोलियों को चकमा देते हुए, इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा जाता है। फिल्म में उनके चरित्र के दो नाम थे और उनकी भूमिका को मिश्रित समीक्षा मिली। सुकन्या वर्मा ने लिखा नकारात्मक भूमिकाएं और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते हैं। अक्षय हास्यप्रद रूप से शीर्ष पर है और कौर को परेशान करते हैं, हालांकि वे शांत और सौम्य आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन के पद्मराज नायर का मानना था कि यह उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन निर्देशित नाटक एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव थी। कुमार को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म अजनबी में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। Rediff.com के लिए फिल्म को समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म का आश्चर्यजनक पैकेज करार दिया। उन्होंने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने भी प्यार किया है। उन्होंने विपुल अमृतलाल शाह और सारंगदेव पंडित द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आके, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंचोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की सह कलाकार के रूप में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने विक्रम भट्ट निर्देशित कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया। Rediff.com की फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया गया कि हेरा फेरी में देखी गई उनकी ईमानदारी, उतीर्णता, एक रिश्ता, प्यार का बंधन और आंखें, लगता है वर्ष की आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित सुपर नेचुरल नेचुरल हरार फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफताब शिवदासानी, अर्शद वारसी और आदित्य पंचोली और अरमान कोहली के साथ थी। यह फिल्म कोहली की पूर्व फिल्म नागिन की रिमेक थी और इसे आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। तरुण आदर्श ने लिखा, केवल मुनीश, अरमान कोहली और अक्षय कुमार कुछ प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म तलाश द हिट बिगनिंग में करीना कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म की समीक्षा करते तरुण आदर्श ने लिखा, अक्षय कुमार सादे औसत दर्जे के हैं, भूमिका शायद ही उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कंवर निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और 2003 की पहली सार्वभौमिक हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय के साथ राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर खाकी में अभिनय किया। कुमार ने इंटर इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक भ्रष्ट नैतिक रूप से दिवालिया पुलिस वाला है, जो एक आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉक्टर इकबाल अंसारी, अतुल कुलकर्णी द्वारा अभिनीत, को महाराष्ट्र के एक दूरस्थ शहर से मुंबई स्थानांतरित करने
के मिशन के दौरान खुद को बदल लेता है। आलोचकों द्वारा फिल्म और कुमार के अभिनय की सकारात्मक समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला की अपराध फिल्म पुलिस फोर्स एंड इनसाइड स्टोरी शामिल थी। उन्होंने रवीना टंडन, अमरीश पुरी और राज बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेताओं टंडन और कुमार के ब्रेकअप के बाद फिल्म के निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित ऑन मैन एट वर्क में एक आईपीएस अधिकारी हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगे में सलमान खान के साथ अभिनय किया और प्रियंका चोपड़ा उन्होंने सनी समीर खान द्वारा अभिनीत के रूममेट की भूमिका निभाई। जो रानी यानी प्रियंका चोपड़ा द्वारा अभिनीत समीर की प्रेम रुचि का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा, अक्षय कुमार एक रहस्योद्घाटन है। वह अपने पिछले काम से आगे निकल जाता है। उसका समय शानदार है और जिस दृढ़ विश्वास के साथ वह अपने व्यक्तित्व में बुराई की लकीर को ढोता है, वह बात करने के लिए बातें हैं। अगले आने वाले दिनों में फिल्म में उन्हें उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सहायक अभिनेता के लिए अपना तीसरा नामांकन और साथ ही सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए नामांकन दिलाया। उनकी अन्य फिल्मों में अब्बास मस्तान निर्देशित ऐतराज और SM इकबाल शामिल हैं। मेरी बीवी का जवाब नहीं, पूर्व में कुमार ने टाइप के खिलाफ एक कार्यकर्ता के रूप में खेला, जिस पर चोपड़ा द्वारा निभाई गई उसकी महिला बॉक्स द्वारा यौन उत्पीड़न का गलत आरोप लगाया गया था। निर्देशकों के अनुसार ऐतराज इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी कोबो ब्रायल, जिस पर एक प्रशंसक द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था, से प्रेरित था। और फिल्म का विकास तब शुरू हुआ जब उन्होंने अखबारों में उनके यौन हमले के मामले के बारे में पढ़ा। चरित्र के बारे में बात करते हुए कुमार ने कहा कि यह यथार्थवादी है और इसे नए जमाने के मेट्रोसेक्सुअल पुरुष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐतराज उनके द्वारा की गई सबसे बोल्ड फिल्म थी। बाद में उन्होंने श्रीदेवी के साथ अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग 1994 में हुई थी, लेकिन 10 साल की देरी के बाद 2004 में रिलीज हुई। अगले साल कुमार ने धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म बेवफा में करीना कपूर के साथ अभिनय किया। उन्होंने राजा की भूमिका निभाई। एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो आदित्य साय अनिल कपूर द्वारा विनीत से शादी करने के बाद भी अपनी प्रेम रुचि अंजलि करीना कपूर द्वारा विनीत का पीछा करता है। फिल्म को फिल्म समीक्षक से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया। इंडिया टुडे के अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि करीना कपूर और कुमार बाहर खड़े हैं। तरण आदर्श ने लिखा, अक्षय कुमार उस भूमिका में अच्छा करते हैं जो उन्हें दास्तानी की तरह फिट बैठता है। उस वर्ष बाद में उन्होंने विपुल अमृतलाल साह के पारिवारिक नाटक वक्त दा रेस अगेंस्ट टाइम में अभिनय किया। अमिताभ बच्चन के साथ जॉन अब्राहम के साथ प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक और कॉमेडी गरम मसाला वक्त दा रेस अगेंस्ट टाइम एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। फिल्म और कुमार के अभिनय को मिश्रित समीक्षा मिली। विशाल डिसूजा ने लिखा, अक्षय एक लेखक समर्थित भूमिका निभाते हैं। फिल्म के भावनात्मक बोझ को और अधिक ले जाते हैं। हालांकि वे उदास रोने वाले दृश्यों में स्पष्ट रूप से ऐसा है जो है। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और बाद में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया।
उनकी अन्य फिल्मों में विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म दीवाने हुए पागल शामिल है, और सुनील दर्शन ने रोमांटिक ड्रामा दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर का निर्देशन किया। पूर्व में उन्होंने शाहिद कपूर, सुनील शेट्टी और रिमी सेन के साथ अभिनय किया, जबकि बाद में उन्होंने करीना कपूर और बॉबी देओल के साथ अभिनय किया। इन दोनों फिल्मों को सकारात्मक समीक्षा मिली। कुमार की 2006 की रिलीज राजकुमार संतोषी द्वारा फैमिली टाइज ऑफ ब्लड थी, जिसके बाद सुनील दर्शन की मेरे जीवन साथी और राज कंवर की हमको दीवाना कर गए थे। इसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी की अगली कड़ी में अभिनय किया। पूर्व की तरह सिक्वल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। बाद में उस वर्ष वह सलमान खान के साथ काम किया और प्रीति जिंटा में श्री सुकुंदर रोमांटिक संगीत में फिल्म जाने मन डर फिल्म एक बहुप्रेक्षित रिलीज थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। प्राप्त करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। Rotten.com ने विदा प्रधान ने इसे विचित्र फिल्म कहा। हालांकि फिल्म ने कम प्रदर्शन किया, एक शर्मीले प्यारे बेवकूफ के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई। उन्होंने प्रियदर्शन की कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री फिल्म भागम भाग के साथ वर्ष का अंत किया। अगले उन्होंने लारा दत्ता, गोविंदा और परेश रावल के साथ अभिनय किया और एक थिएटर अभिनेता की भूमिका निभाई। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और Rotten.com ने कुमार को फिल्म का असली हीरो कहा। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने साथी सितारों सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और के साथ हिट 2006 के विश्व दौरे के का नेतृत्व का किया सलीला जेटली। 2007 में उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कुमार का सबसे बड़ा सफल वर्ष साबित हुआ, और जैसे कि बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों द्वारा वर्णित है, शायद एक अभिनेता द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे अच्छा चार एकमुश्त हिट और कोई फ्लॉप नहीं। उनकी पहली रिलीज विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्देशित नमस्ते नंदन समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही, और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, वह इस फिल्म में एक शानदार चित्रण के साथ लाखों फिल्म दर्शकों के दिल को जीतने के लिए निश्चित हैं। मुख्य अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ कुमार की केमिस्ट्री को खूब सराहना मिली। सराहना बटोरी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप में उनकी जोड़ी का वर्णन ताजा। उनकी अगली दो रिलीज साजिद खान निर्देशित है बेबी और प्रियदर्शन की भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने विदा बालन के साथ अभिनय किया। कुमार की वर्ष की अंतिम रिलीज अनीस बज्मी निर्देशित वेलकम ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक ब्लॉकबस्टर का दर्जा प्राप्त किया और साथ ही साथ उनकी लगातार पांचवी हिट बन गई। कुमार की उस वर्ष की रिलीज हुई सभी फिल्मों ने विदेशी बाजारों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुमार फराह खान निर्देशित ओम शांति ओम में एक कैमरियो भूमिका में दिखाई दिए। उनकी भूमिका को नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। Rotten.com की बॉलीवुड सूची में शीर्ष 10 कैमरियो में 3 पर। कुमार की 2008 की पहली फिल्म विजय कृष्ण आचार्य निर्देशित एक्शन थ्रिलर टशन ने 11 साल बाद यशराज फिल्म्स के बैनर में वापसी की। हालांकि एक सर्वेक्षण बॉलीवुड हंगामा द्वारा आयोजित ने इसे वर्ष की सबसे अप्रत्याशित रिलीज का नाम दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 279 मिलियन
यूएस में 3.7 मिलियन की कमाई की। उनकी दूसरी फिल्म बजमी द्वार निर्देशित सिंह इज किंग, जिसमें उन्होंने कैप के साथ अभिनय किया, बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और ओम शांति ओम के पहले सप्ताह के विश्वव्यापी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो पिछले उच्चतम आंकड़ा था। उनकी अगली फिल्म एनिमेटेड फिल्म थी जंबो कॉम्पिंग के गुमनीर द्वारा निर्देशित। इस वर्ष कुमार ने छोटे पर्दे पर अपने सफल शो फिर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के मेजबान के रूप में शुरुआत की। बाद में वे 2009 में शो के दूसरे सीजन की मेजबानी के लिए लौट आए। 2009 में कुमार विपरीत रूप से दीपिका पादुकोण में वार्नर ब्रदर्स और रोहन सिप्पी उत्पादन चांदनी चौक टू चाइना के लिए निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। कुमार की अगली रिलीज एट एक्सटेंड तस्वीर थी, जो नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर थी, जो व्यावसायिक रूप से विफल रही। उनकी अगली रिलीज शब्बीर खान की सेक्स ऑफ द सेक्स कॉमेडी कमबख्त इश्क थी। लॉस एंजिल में सेट यह यूनिवर्सल स्टूडियो में शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और हॉलीवुड अभिनेता द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित कैमरियो फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब रूप से प्राप्त किया गया था, लेकिन यह एक आर्थिक सफलता बन गई जिसने दुनिया भर में 840 मिलियन यूएस में 11 मिलियन से अधिक की कमाई की। कुमार की फिल्म ब्लू 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। ब्लू को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 420 मिलियन का संग्रह किया। 2009 की उनकी अगली रिलीज प्रियदर्शन की दे दनादन थी। उन्होंने कैटरीना कैफ, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ अभिनय किया। कुमार एक नौकर की भूमिका निभाई जो अपने मालिक के कुत्ते का अपहरण करने की योजना बना रहा है। फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले। इसके बाद वह साजिद खान द्वारा निर्देशित 2010 की कॉमेडी हाउसफुल में दिखाई दिए, जिसने अब तक का दूसरा सबसे ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन हासिल किया। कुमार की अगली रिलीज प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित खट्टा मीठा थी, जो एक औसत ग्रासर थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। CNN IBN के राजीव मंसद ने इसे सिजोफ्रेनिक फिल्म कहा। वह विपुल शाह की एक्शन रिप्ले में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। 2010 की उनकी आखिरी फिल्म 30 मार्का थी। फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म को खराब आलोचनात्मक समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक विफलता साबित हुई। 2011 में उन्होंने पटियाला हाउस और थैंक यू में अभिनय किया। 2011 की उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रोहित धवन निर्देशित देसी बॉय 2011 थी, जिसमें जॉन अब्राहम, चित्रांगना सिंह और दीपिका पादुकोण ने सह अभिनय किया था। उन्होंने रशेल पीटर्स के साथ ब्रेक अवे स्पीडी सिंह के रूप में हिंदी में डब की गई नामक एक फिल्म का सह निर्माण भी किया, जो उन्हें उनके अपने पटियाला हाउस की यह ताजा करते हैं। ब्रेक अवे कनाडा में 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली क्रांतिकारी फिल्म बन गई। कुमार ने हॉलीवुड के हिंदी संरक्षण एक्शन ब्लॉकबस्टर ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में ऑप्टिमस प्राइम की भूमिका के लिए डब किया। उन्होंने अपने बेटे आरव के लिए डबिंग की भूमिका निभाई और मुक्त किया। 2012 की अपनी पहली रिलीज हाउसफुल 2 थी, जो उनकी अगली पिछली कॉमेडी फिल्म हाउसफुल का सिक्वेल थी। कुमार की अगली फिल्म प्रभु देवा द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा राबड़ी राठौर थी, जिसमें उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ दोहरी भूमिका निभाई। फिल्म ने भारत में 1.3 बिलियन यूएस में 17 मिलियन से अधिक की कमाई की। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन यूएस में 13 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2012 में उन्होंने राजिंग गोट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। कथित तौर पर जोकर को कुमार की 100वीं फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने स्पष्ट किया कि जोकर के लिए साइन अप करने से पहले ही वे 100वीं फिल्म मील का पत्थर पार कर लिया गया था
उन्होंने कहा, श्रीश की ओर से यह गलत अनुमान था। OMG मेरी 116वीं फिल्म है। कुंदर के साथ मतभेदों के कारण कुमार ने खुद को फिल्म के प्रचार से दूर रखा। फिल्म के प्रचार से कुमार के पीछे हटने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुंदर ने ट्वीट किया, एक सच्चा नेता अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें हर मुश्किल से ले जाता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता और भाग जाता है। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसकी शुरुआत धीमी थी, लेकिन मुंह की बात के कारण इसे उड़ा लिया। 2012 में उनकी आखिरी रिलीज खिलाड़ी 786 थी, जो उनकी प्रसिद्ध खिलाड़ी श्रृंखला में आठवीं किस्त थी, और साथ ही 12 साल बाद की वापसी हुई थी। हालांकि फिल्म को आलोचकों द्वारा प्रतिबंध किया गया था, लेकिन इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 700 मिलियन की कमाई की। 2013 में उनकी पहली रिलीज स्पेशल चिप भी थी, जिसने सकारात्मक समीक्षा आलोचनात्मक स्वागत अर्जित किया और बॉक्स ऑफिस पर मध्य रूप से सफल रही। हालांकि फिल्म ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता अर्जित की। व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि फिल्म अपनी अच्छी सामग्री और कुमार के हाई प्रोफाइल के कारण बेहतर व्यवसाय कर सकती थी। मिलन लतूरिया ने शोएब खान दाऊद इब्राहिम पर आधारित का किरदार निभाने के लिए कुमार को चुना। गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की अगली कड़ी यह बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे साबित हुई। फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा फ्लॉप घोषित किया गया था। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली, हालांकि अधिकांश आलोचकों ने कुमार के अभिनय की प्रशंसा की। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक समीक्षा में अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि कुमार एक तारकीय हत्यारा बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि भाई तेज तर्रार और मौजों के साथ अभिनय करते हैं, उन्हें वह करने का मौका मिलता है जो वह सबसे अच्छा करते हैं। हीरोगिरी हालांकि कम खतरनाक, अधिक मनोरंजक करिश्मा और क्लिप ट्रिप डायलॉगबाजी के साथ अल पिचानो ने फिल्म को ट्रेलर और प्रोमो देखा और कुमार के एक गैंगस्टर शोएब खान के चित्रण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रोमो और पोस्टर ने उन्हें याद दिलाया उनका अपना द गॉडफादर। कुमार ने पचीनो की प्रक्रिया के बारे में कहा, एक अभिनेता की बाहों में हमेशा प्रशंसक का स्पर्श होता है, भले ही वह हमारे प्यारे स्टॉप बॉय जैसे सबसे सरल लोगों से हो, लेकिन दुनिया ने सबसे प्रशंसित गैंगस्टर अल पचिनो द्वारा आपके काम के बारे में इतनी दयालुता से बात करने के लिए प्रोमो देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि उनके महान काम के प्रशंसक के रूप में बहुत विनम्र था। CNN IBN के राजीव मंसद कुमार की उनके अपने काम से काम तड़क भड़क के लिए आलोचना की। फिल्म की मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाओं के बाद कुमार ने आलोचकों पर यह आरोप लगाया कि वे दर्शकों की समझ और फिल्म निर्माण के मूल विचारों की कमी का आरोप लगाते हैं। एक अनुमिति बजट पर निर्मित 1 अरब US में 13 मिलियन यह पहला बड़ा था हिंदी में शॉट होने के लिए भाषा की फिल्म ओमान। कुमार को जी सिने अवार्ड्स में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। उनकी अगली रिलीज शिव पंडित और अदिति राव हैदरी के साथ एंथनी डी सुजाती की बॉस थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, इसे घरेलू स्तर पर 540 मिलियन, 2020 में 730 मिलियन या US में 9.7 मिलियन के बराबर की कमाई की के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। कुमार ने हॉलीडे एक सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी के साथ जोरदार वापसी की। 2012 की तमिल फिल्म थुप्पकी की हिंदी रिमेक है। इस एक्शन ड्रामा ने 1 मिलियन एलिट क्लब में प्रवेश करते हुए महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता अर्जित की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन US में 13 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली कुमार की तीसरी फिल्म
कार्यकाल कुमार ने अपनी हालिया फिल्म इस इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना गाया है। गाने की मेकिंग को ट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। उनकी 2014 की आखिरी फिल्म द शौकीन्स थी। वैश्यम के रूप में प्रकट हुए और इसे निर्मित किया। उन्होंने थ्रिलर बेबी एंड गब्बर इज बैक में मुख्य भूमिका निभाई। कुमार का करण जौहर के साथ पहला सहयोग बरदस 14 अगस्त 2015 को रिलीज किया गया। उनकी अगली रिलीज सिंह इज बिलिंग थी, जो 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी और इसे ग्रासिंग गोडस पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। 2016 वर्तमान में उनकी पहली रिलीज 22 जनवरी 2016 को रिलीज हुई एयरलिफ्ट थी, जो समीक्षक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। और दूसरी हाउसफुल 3 को 3 जून 2016 को रिलीज किया गया। नमस्ते लंदन की अगली कड़ी की घोषणा की गई। रुस्तम, जिसे नीरज पांडे द्वारा निर्देशित किया गया था, और 2016 की उनकी तीसरी रिलीज को चिन्हित किया। रुस्तम में उनके प्रदर्शन के लिए अक्षय की प्रशंसा की गई, जिससे उन्हें कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। रुस्तम ने बॉक्स ऑफिस पर 2 अरब से ज्यादा की कमाई की। एयरलिफ्ट और रुस्तम दोनों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2017 में उनकी एकमात्र फिल्म रिलीज टॉयलेट एक प्रेम कथा थी। इस फिल्म में देश के कुछ क्षेत्रों में शौचालय के मुद्दे की गंभीरता को दर्शाया गया। अक्षय के अभिनय की तारीफ की गई। फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने मध्य प्रदेश के एक शौचालय खोदा। फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2017 को जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार पीएम मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का अच्छा प्रयास बताया। 2018 में अक्षय ने सोनम कपूर और राधिका आप्टे के साथ सोशल ड्रामा फिल्म पैडमैन में अभिनय किया। बाद में उन्होंने रजनीकांत की सह अभिनीत साइंस फिक्शन थ्रिलर 2.0 में तमिल सिनेमा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पक्षीराज राजन नामक एक दुष्ट पक्षी विज्ञानी की भूमिका निभाई। 2019 में कुमार करण जौहर की फिल्म केसरी में परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए, जो सारागढ़ी की लड़ाई की कहानी पर आधारित है। फिल्म ने दुनिया भर में 2 बिलियन US में 27 मिलियन से अधिक की कमाई की। उन्होंने अगली बार मिशन मंगल में विद्या बालन, तापसी पन्नू, नित्या मेमन, शरमन जोशी और सोनाक्षी सिन्हा के कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की कहानी के बारे में है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया, जिसने भारत के पहले इंटरप्लेनेटरी अभियान को चिन्हित किया। फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित हाउसफुल 4 2019 में रिलीज हुई थी। दिसंबर 2019 में उनकी अगली रिलीज करण जौहर की उनकी खुद की प्रोडक्शन गुड न्यूज सरोगेसी के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी करीना कपूर के खान के साथ थी। 2020 में उनकी एकमात्र रिलीज हरर कॉमेडी थी लक्ष्मी, द्वारा निर्देशित राघव नरेश। तमिल फिल्म की एक आधिकारिक रिमेक कंचना विपरीत कियारा आडवाणी। इसे 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था, और कोविड-19 महामारी के कारण भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं किया गया था। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर एक ट्रांसजेंडर का भूत सवार हो जाता है। इसे आलोचकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली। कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म के लेखन और पटकथा की आलोचना की। नवंबर 2021 तक उनकी फिल्म बेल बॉटम रंजीत एम तिवारी की एक जासूसी थ्रिलर और रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सूर्यवंशी 2021 में रिलीज हुई है। यशराज फिल्म्स की पृथ्वीराज और आनंद एल राय की अंतरंगी रे सारा अली खान के साथ दोहरी भूमिका में और धनुष 2022 में रिलीज हो रही है। अभिनेता
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से 2 बार सगाई करने के बाद कुमार ने 17 जनवरी 2001 में को उनसे शादी की। साथ में उनका एक बेटा और एक बेटी है। वह एक सुरक्षात्मक पिता के रूप में जाने जाते हैं और अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह उन्हें एक सामान्य बचपन देना चाहते हैं। 2009 में लैक्मे फैशन वीक में लेविस के लिए एक शो में प्रदर्शन के दौरान कुमार ने ट्विंकल को अपनी जीन्स का बटन खोलने के लिए कहा। इस घटना ने एक विवाद को जन्म दिया जिसके कारण उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया। कुमार किकबॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी और पार्कौर के संयोजक के साथ साथ वर्कआउट के साथ आकार में रहते हैं। 8वीं कक्षा में रहते हुए उन्होंने कराटे का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उनका इरादा एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का था और महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भयंदर में स्कूल के लिए जमीन आवंटित की। 2004 में उन्होंने बॉलीवुड में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने अक्षय कुमार के साथ टेलीविजन श्रृंखला 7 डेडली आर्ट्स को मुफ्त में प्रस्तुत किया। अगले वर्ष कुमार को कटाना के सर्वोच्च जापानी सम्मान और कुईकाई गोजोरयू कराटे में 6ठी डिग्री ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया। कुमार शुरू में एक धार्मिक से हिंदू थे जो नियमित रूप से प्रसिद्ध वैष्णो मंदिर देवी सहित देश भर के मंदिरों में जाते थे। लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने कहा, मैं नहीं किसी भी धर्म में विश्वास करते, मैं केवल भारतीय होने में विश्वास करता हूँ। वे शराब पीने वाले हैं लेकिन अतीत में एक शराब ब्रांड का समर्थन कर चुके हैं। आदि राशि दान के काम के लिए दी गई थी जिसमें वे एक हाल के दिनों में अधिक कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दान दिया 5 लाख US के लिए सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। 2013 तक कुमार लगातार 6 वर्षों से हिंदी फिल्म उद्योगों के सबसे अधिक अग्रिम करदाता रहे। उन्होंने उस वर्ष अग्रिम भुगतान के रूप में 190 मिलियन का भुगतान किया। 9 अगस्त 2014 को कुमार ने अपने 500वें लाइव शो को प्रस्तुति दी। यह शो वर्ल्ड कबड्डी लीग के उद्घाटन समारोह के हिस्से के रूप में लंदन के जीरो टू एरिना में आयोजित किया गया था। उनका पहला लाइव शो 1991 में दिल्ली में हुआ था। कुमार इंडियन कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स की टीम के मालिक हैं। उन्होंने खन्ना की पहली किताब मिसेज फनी बोन्स के ड्राफ्ट को संपादित करने में उनकी मदद की। कुमार ने 2015 में महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों के लिए 9 मिलियन की राशि की दान की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के जलयुक्त शिविर अभियान के माध्यम से सूखा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 50 लाख रुपए दान भी दिए। मार्च 2013 में उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए 30 बिस्तरों वाला कैंसर सेल्टर शुरू किया नायगांव में। 9 अप्रैल 2017 को कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल फोन ऐप भारत के वीर को बढ़ावा दिया जो उपयोगकर्ताओं को उन लोगों के परिवारों को पैसा देने की अनुमति देता है जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फिर से 20 जनवरी 2018 को उन्होंने पहल के लिए एक गान के शुभारंभ में भाग लिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से भारत के वीर के लिए दान करने की अपील की और 129.3 मिलियन 2020 में 150 मिलियन US में 2.0 मिलियन के बराबर एकत्र किया। सिटीजनशिप 2011 के कनाडाई संघीय चुनाव के दौरान या बाद में वहां की कवर वेटिंग सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून को लागू करके कुमार को कनाडा की नागरिकता प्रदान की जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिंग
पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोनी क्लेमेंट के अनुसार कुमार की कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापारिक संबंधों वाणिज्य संबंधों में डालने की पेशकश के बदले में नागरिकता प्रदान की गई थी। फिल्म क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले बैप्टन में कंजर्वेटिंग प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के लिए एक अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ओंटारियो एक विशाल भारतीय कनाडाई आबादी वाला शहर और हार्पर की प्रशंसा करते हुए क्लेमेंट ने इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षतापूर्ण समर्थन के लिए एक पुरस्कार थी। कुमार ने विट्सन विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की मानक उपाधि प्राप्त की और 2010 में अर्थशास्त्री के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि उनके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा में ओलंपिक मार्शल वाहक शैली के लिए आमंत्रित 2015 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में से एक थे। दिसंबर 2019 में कुमार ने कहा कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बनाई। कुमार को 13 नामांकनों में से 2 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हैं, अजनबी 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक और गरम मसाला 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता और रुस्तम और एयरलिफ्ट दोनों 2016 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2008 में विंडसर विश्वविद्यालय ने कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान में डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित किया। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2011 में द एशियन अवार्ड्स ने कुमार को सिनेमा की उनकी उत्कृष्ट उपाधि के लिए सम्मानित किया। लोकोपकार जम्मू कश्मीर में बंदीपोरा जिले के नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि उन्होंने दान में दी। अक्षय कुमार एक भारतीय मूल है, देशी कट कनाडा अभिनेता, टीवी प्रस्तोता और निर्माता है जो काम करते हैं हिंदी फिल्मों में और इन बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की। ये उन्होंने बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2018 में उन्होंने तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की। रजनीकांत की अपनी 2.0 के साथ मुख्य विरोधी प्रदर्शित होकर 500 करोड़ से अधिक बजट वाली सबसे महंगी भारतीय फिल्म। 1987 आज कराटे प्रशिक्षित कैमरियो, 1991 सौगंध, कपलानी, नर्तकी, राजू खिलाड़ी, राज मल्होत्रा, 1992 मिस्टर बांड, दीदार, आनंद मल्होत्रा, शांत विजय, इसके साथ ही कन्नड़ में विष्णु विजय शीर्षक से शूट किया गया। दिल की बाजी विजय, 1993 कायदा कानून, दाऊल, वक्त हमारा है, विकास, सब कुछ वाला, सैनिक, लेफ्टिनेंट सूरजदत्त, ऐलान, विशाल चौधरी, ये दिल लगी, विजेंद्र विजय, सहगल, नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, जय किशन दोहरी भूमिका, 1994 मोहरा, अमर सक्सेना, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, करण जोगलेकर, इक्के पे इक्का, राजीव, अमानत, अमर, सुहाग, राजसेना, जख्मी दिल, जयदेव आनंद, जालिम, रवि, हम हैं बेमिसाल, विजय सिन्हा, पांडव, इंस्पेक्टर विजय कुमार, मैदानी जंग, करण, 1995 नजर के सामने, जय कुमार, सबसे बड़ा खिलाड़ी, विजय कुमार, लल्लू, दोहरी भूमिका, तू चोर मैं सिपाही, अमर वर्मा, 1996 खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अक्षय मल्होत्रा, सपूत, प्रेम, लहू के दो रंग, सिकंदर, दवाई, इंसाफ, द फाइनल जस्टिस, विक्रम, दावा, अर्जुन, तराजू, राम यादव, 1997 मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, राजा, दिल तो पागल है, अजय साहनी, नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, अफलातून, रॉकी राजा, दोहरी भूमिका,
1998 कीमत वे वापस आ गए हैं, देवराना अंगराय, अमर बारूद, जय शर्मा, संघर्ष अमन वर्मा, आरजू विजय खन्ना। 1999 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवराजे, जुल्मी राज, जानवर बादशाह, बाबू लोहरी, हेरा फेरी राजू, 2000 धड़कन राम वर्मा, खिलाड़ी 420 देव मल्होत्रा, आनंद मल्होत्रा, दूरी भूमिका, एक रिश्ता प्यार का बंधन, अजय कपूर, 2001 अजनबी, विक्रम बजाज, एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, हाँ मैंने भी प्यार किया, राज मल्होत्रा, आंखें विश्वास, प्रजापति, 2002 आवारा पागल दीवाना, गुरु गुलाब खत्री, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, अतुल, 2013 तलाश शिखर शुरू होता है, अर्जुन, अंदाज, राज मल्होत्रा, खाकी शेखर वर्मा, नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, पुलिस बल, एक अनुरोधी कहानी, विजय सिंह, आन काम पर पुरुष, हरि ओम पटनायक, 2004 मुझसे शादी करोगी, अरुण खन्ना, सनी, नामांकित हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, हटिया द मर्डर, रवि लालू, ऐतराज, राज मल्होत्रा, मेरी बीवी का जवाब नहीं, अजय खन्ना, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, राजीव सिंह, इंसान, अमजद खान, बेवफा राजा, वक्त द रेस, अगेंस्ट टाइम, आदित्य ठाकुर, 2005 गरम मसाला, मरकंद में का गोड़ बोले, हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, दीवाने हुए पागल, रॉकी, हीरा नंदनी, दोस्त, फ्रेंड, फॉरएवर, राज, परिवार, शेखर भाटिया, मेरे जीवन साथी, विक्की, 2006 हमको दीवाना कर गए, आदित्य मल्होत्रा, फिर हेरा फेरी, राजू, जाने मनी, अगस्त राव, भागम भाग, बंटी, नमस्ते लंदन, अर्जुन सिंह, नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 2007 हे बेबी, आरुष मरेसा, भूल भुलैया, आदित्य श्रीवास्तव, शांति वैश्यम, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना, सा स्वागत, राजीव सैनी, टसने बच्चन, पांडे, 2008 सिंह इज किंग, हैप्पी सिंह, नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, चांदनी चौक टू चाइना, सिद्धू सिंह, 2009 एट स्क्वाड्रन, तस्वीर, जयपुरी, जीतपुरी, दोहरी भूमिका, 2009 कमबख्त, एक से विराज, शेरगिल, नीला, आर मल्होत्रा, दे दनादन, नितिन भाकरी, हाउसफुल, आरुष, खट्टा मीठा, सचिन चिटकुले, 2010 एक्शन रिप्ले, किशन कुमार, 30 मार खां, तरबेज, मिर्जा खां, 30 मार खां, पटियाला हाउस, पारगाट सिंह, गट्टू, कहलो कली, 2011 धन्यवाद किशन, देसी लड़के, जिग्नेश पटेल, जेरी रखो, 2011 चलो दिल्ली, विक्रम राणा, अतिथि भूमिका, हाउसफुल 2, धूपधार, रावड़ी राठौर, विक्रम राठौर, सिविल, दोहरी भूमिका, जोकर, राजकुमार अगस्त्य, 2012 ओ एम जी, ओ माई गॉड, कृष्ण वासुदेव यादव, नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, खिलाड़ी 706 से 72 सिंह, 73 सिंह, दोहरी भूमिका, समस्या में भाजी, अक्षय कुमार, निर्माता विशेष उपस्थित, पंजाबी भाषा की फिल्म, विशेष 26, अजय सिंह, 72 मील, एक प्रवासी निर्माता, मराठी फिल्म भाषा की फिल्म, 2013 वंस अपॉन ए टाइम इन मैन मुंबई, दोबारा शोएब खान, मालिक, सूर्यकांत शास्त्री, बॉस छुट्टी, विराट बख्शी, नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 2015 अंतर, निर्माता, मराठी भाषा की फिल्म, मनोरंजन, अखिल लोखंडे, शौकीन वैश्यम, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना, शिशु, अजय सिंह राजपूत, 2015 गब्बर इज बैक, आदित्य गब्बर, बंधु भाई बंधु, डेविड फर्नांडिस, सिंह इज बिलिंग, रफ्तार सिंह, विमान सेवा, रंजीत कात्याली, हाउसफुल 3, सैंडी सुंडी, 2016 दुश्मन, समीर गाजी का कैमरियो, रुस्तम रुस्तम पावरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोली LLB 2, जगदीश्वर जोली मिश्रा,
नाम सुभाना, अजय कैम्बरी उपस्थित। 2017 सोशल एक प्रेम कथा, केशव शर्मा नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। पैडमैन लक्ष्मीकांत चौहान नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018। सोना अतापंदास 2.0, पक्षीराज राजन, तमिल फिल्म सिम्बा, डीसीपी वीर सूर्यवंशी, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना। केसरी हवलदार ईसर सिंह नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2019। रिक्त वैश्यम, अली अली गाने में स्पेशल अपीयरेंस, मिशन मिशन मंगल, राकेश धवन, हाउसफुल 4, राजकुमार बालादेव सिंह हेरा हेरी, न्यूज गुड न्यूज वरुण बत्रा 2020, लक्ष्मी आसिफ अहमद, डिज्नी प्लस और स्टार पर जारी 2000 की चोरी मोरी वाली पैंट बेल बॉटम, अंशुल मल्होत्रा एजेंट बेल बॉटम 2021, सूर्यवंशी डीसीपी वीर सूर्यवंशी, अंतरंगी रे टीपी डिज्नी होटल प्लस हॉट डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान पूरा हुआ, बच्चन पांडे पूरा हुआ, रक्षाबंधन रघु पूरा हुआ 2022, राम सेतु राम कुमार फिल्माने, मिशन सिंड्रोला टीबीए पूरा हुआ, ओ एम जी भगवान 2, शिव भगवान शिव फिल्माने। टेलीविजन, अक्षय कुमार के साथ सेवन डेडली आउट 2004, राष्ट्रीय भौगोलिक चैनल मेजबान, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 2008, 9 और 11, रंग की सीजन 1, 2 और 4 के लिए होस्ट, मास्टर शेफ इंडिया 2010, 11 स्टार प्लस सीजन 1 के लिए मेजबान, सीजन 2 के लिए फाइनल में उपस्थिति, विशेष उपस्थिति केवल ही 2014, विराट बख्शी विशेष उपस्थिति, जमाई रातो 2014 से 17, जी टीवी निर्माता, डेयर टू डांस 2014, लाइफ ओके मेजबान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2017 स्टार प्लस न्यायाधीश, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 2019, कलर्स टीवी ग्रैंड फिनाले में अतिथि, वीडियो संगीत 9 नवंबर 2019, फिलहाल डॉक्टर कबीर मल्होत्रा भी फ्राकी, 6 अप्रैल 2020, मुस्कुराएगा इंडिया वैश्यम विशाल मिश्रा, 16 6 जुलाई 2021, फिलहाल टू डॉक्टर कबीर मल्होत्रा भी फ्राकी, धवनी अभिनय 2008 दैत्य दैत्य, 2011 ट्रांसफॉर्म, चंद्रमा का अंधेरा, ऑप्टिमस प्राइम, पीटर कल के लिए आवाज, हिंदी संरक्षण पुरस्कार और नामांकन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 जीते, 1 नामांकन, एशियाई पुरस्कार 1 जीता, 0 नामांकन, एशियाई फिल्म पुरस्कार 0 जीते, 1 नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2 जीते, 11 नामांकन, स्क्रीन अवार्ड 1 जीता, 2 नामांकन, आईफा अवार्ड 3 जीते, 5 नामांकन, स्टारडक्स पुरस्कार 10 जीते, 3 नामांकन, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड 4 जीते, 4 नामांकन, प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड 2 जीते, 0 नामांकन, जिन्हें सिने अवार्ड 2 जीते, 8 नामांकन, स्टार बॉक्स ऑफिस अवार्ड 1 जीता, 2 नामांकन, भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 1 जीता, 0 नामांकन, नमस्ते हॉल ऑफ फेम अवार्ड 1 जीता, 0 नामांकन, स्टार का सबसे पसंदीदा पुरस्कार 2 जीते, 0 नामांकन, अन्य 15 जीते, 0 नामांकन। कुल जीते हुए पुरस्कार 51 है और 36 जो पुरस्कार इन्हें नामांकन दिए गए हैं। 2008 में विट्सर विद्यालय ने कुमार को भारत के सिनेमा में उनके योगदान के लिए मानक डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2011 में एशियाई पुरस्कारों ने कुमार को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपाधि के लिए सम्मानित किया गया। नागरिक पुरस्कार 2009 भारत सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री डायरेक्टर मानक की उपाधि 2008 में मानक डायरेक्टर से कानून के विडसन विश्वविद्यालय में ओंटारियो कनाडा सामाजिक कार्य करने के लिए फिल्म उद्योग और योगदान में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान। 2004
बॉलीवुड में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार 2009, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफा आईफिक फ्रेम्स दशक का सबसे शक्तिशाली मनोरंजन पुरस्कार, एशियाई पुरस्कार 2011, सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि जीत लिया। एशियाई फिल्म पुरस्कार 2009, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार सिंह इज किंग मनोनीत। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। 1954 में स्थापित यह द्वारा किया जाता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारत सरकार ने इस फिल्म समारोह निदेशालय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 2017 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रुस्तम जीत लिया। 2019 अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन जीत लिया। फिल्म फेयर पुरस्कार 1995 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये दिल लगी मनोनीत। 1998 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दिल तो पागल है मनोनीत। बेस्ट विलेन अजनबी मनोनीत। 2005 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता खाकी मनोनीत। 2005 बेस्ट कॉमेडियन कॉमेडियन मुझसे शादी करोगी मनोनीत। 2005 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मुझसे शादी करोगी मनोनीत। 2006 बेस्ट कॉमेडियन गरम मसाला जीत लिया। 2008 अभिषेक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नमस्ते लंदन मनोनीत। 2009 सिंह इज किंग मनोनीत। 2013 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ओ एम जी हे भगवान मनोनीत। 2015 छुट्टी मनोनीत। 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शौचालय एक प्रेम कथा मनोनीत। 2019 पैडमैन मनोनीत। 2020 केसरी मनोनीत। फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2019 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तमिल 2.0 मनोनीत। स्क्रीन अवार्ड 2005 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड मुझसे शादी करोगे मनोनीत। 2005 जोड़ी नंबर 1 प्रियंका चोपड़ा के साथ मनोनीत। 2009 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड लोकप्रिय पसंद सिंह इज किंग जीत लिया। आईफा अवार्ड 2000 आईफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार धड़कन मनोनीत। 2002 आईफा बेस्ट विलेन अवार्ड अजनबी जीत लिया। 2005 आईफा बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मुझसे शादी करोगी जीत लिया। 2006 बेस्ट आईफा बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड गरम मसाला मनोनीत। 2008 मेजबान देश थाईलैंड की ओर से आईफा विशेष पुरस्कार जीत लिया। 2008 आईफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भूलभुलैया मनोनीत। 2009 दशक का आई एफ ए स्टार माले मनोनीत। 2013 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आईफा अवार्ड ओ एम जी ओ माई गॉड मनोनीत। 2018 आईफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शौचालय एक प्रेम कथा मनोनीत। स्टारडक्स्ट पुरस्कार 2005 हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुझसे शादी करोगी मनोनीत। 2008 स्टार ऑफ द ईयर माले हे बेबी और नमस्ते लंदन जीत लिया। 2009 स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड माले सिंह इज किंग मनोनीत। 2009 रीडर्स चॉइस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सिंह इज किंग विपुल अमृतलाल शाह के साथ साझा जीत लिया। 2010 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पुरस्कार पुरुष नीला जीत लिया। 2010 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्च लाइट अवार्ड माले एट टेन तस्वीर जीत लिया। 2010 एक हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दे दनादन मनोनीत। 2011 कॉमेडी या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टारडक्स पुरस्कार हाउसफुल और 30 मार खां जीत लिया। 2011 दस स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड माली हाउसफुल और 30 मार्खां जीत लिया। 2012 रोमांस कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टारडक्स पुरस्कार देसी लड़के देसी बॉय जीत लिया। 2013 स्टारडक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्शन थ्रिलर रावड़ी राठौर और खिलाड़ी 786 जीत लिया। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड 2012 एक एक्शन थ्रिलर भूमिका में सबसे मनोरंजक पुरुष अभिनेता रावड़ी राठौर जीत लिया। 2012
कप लीड एंटरटेनर ऑफ द ईयर माले जीत लिया। 2012 मोस्ट एंटरटेनिंग सोशल फिल्म OMG जीत लिया। 2012 एक्शन रोल में सबसे मनोरंजक अभिनेता राबड़ी राठौर जीत लिया। 2013 एक एक्शन फिल्म में बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर पुरुष मालिक मनोनीत। 2013 एक थ्रिलर फिल्म में बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनमेंट एक्टर पुरुष विशेष 26 मनोनीत। 2013 बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर फिल्म पुरुष विशेष 26 मनोनीत। 2020 मोस्ट चैलेंज एक्टर केसरी। 2019 फिल्म मनोनीत अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड। 2008 वर्ष 2007 का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन कर्ता जीत लिया। 2015 विशेष पुरस्कार इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर रहे जीत लिया। जी सिने अवार्ड 2006 वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2008 नमस्ते लंदन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2011 हाउसफुल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2012 EN अंतर्राष्ट्रीय पुरुष चिन्ह मनोनीत। 2014 वंश अपन ए टाइम इन मुंबई 2 बार एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2016 शिशु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2017 विमान सेवा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष मनोनीत। 2018 द स्टैंड स्टेट बनाम जाली LLB 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद जीत लिया। 2018 शौचालय एक प्रेम कथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष दर्शकों की पसंद मनोनीत। स्टारबक्स ऑफिस इंडिया ये स्टारबक्स ऑफिस अवार्ड स्टार प्लस और बॉक्स ऑफिस इंडिया के बीच एक सहयोग है। स्टारबक्स ऑफिस अवार्ड समारोह बॉक्स ऑफिस पर अपने प्रदर्शन के आधार पर हिंदी फिल्मों की उपलब्धि को निष्पक्ष रूप से मान्यता देता है। 2014 बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ क्लब हीरो जीत लिया। 2014 मिस्टर बॉक्स ऑफिस छुट्टी का दिन एक सैनिक कभी भी ड्यूटी से बाहर नहीं होता मनोनीत। 2014 मिस्टर मनी बैग छुट्टी का दिन एक सैनिक कभी भी ड्यूटी से बाहर नहीं होता मनोनीत। भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 2009 रेडियो मिर्ची पुरस्कर्ता सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन व्यक्तित्व जीत लिया। नमस्ते हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2010 स्टाइलिश कपल ऑफ द ईयर अवार्ड ट्विंकल खन्ना के साथ जीत लिया। स्टार का सबसे पसंदीदा पुरस्कार 2009 वर्ष का अभिनेता जीत लिया। 2010 वर्ष का अभिनेता जीत लिया। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का SIMA पुरस्कार 2.0 मनोनीत। अन्य पुरस्कार 2002 सुनसई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड अजनबी के लिए खलनायक की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2003 बॉलीवुड फैशन अवार्ड सेलिब्रिटी स्टाइल मेल। 2006 बॉलीवुड पीपल्स चॉइस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन गरम मसाला। 2006 AXN एक्शन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता। 2010 AX एक्शन अवार्ड ब्लू में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता। 2008 एशिया का सबसे सेक्सी आदमी जिंदा। 2015 फिल्म फेयर ग्लैमर्स एंड स्टाइलिश अवार्ड मोस्ट ग्लैमर्स पुरुष स्टार। 2015 GQ अवार्ड अल्टीमेट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। 2018 GQ इंडिया स्टाइल अवार्ड GQ लेजेंड अवार्ड। 2018 लायंस गोल्ड अवार्ड बेस्ट एक्टर पॉपुलर फिल्मों में सामाजिक संदेशों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ योगदान के लिए। 2018 मेलबर्न के भारतीय समारोह में पैडमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 2019 HD इंडिया मोस्ट स्टाइलिश। 2019 हॉटेस्ट लेट सेंटर मेल सम्मान और मान्यता। 2008 पीपल इंडिया पत्रिका द्वारा सेक्सीएस्ट मैन अलाइव नामित। 2009 उन्हें कटाना के सर्वोच्च जापानी सम्मान और कुई काई गेजुई कराटे में छठी डिग्री ब्लैक
ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया। 2009 वह कनाडा में ओलंपिक मशाल वाहक रैली के लिए आमंत्रित 15 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में से थे एक थे। 2012 उन्होंने गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया। 2013 रिचर्ड चॉइस स्टाइल आइकन नाम दिया गया। 2017 बॉलीवुड में सबसे बड़े व्यंगकार का खिताब जीता गया। इस तरह इस अभिनेता ने बहुत से पुरस्कार जीते हैं और कुछ पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया। इन्होंने 51 पुरस्कार जो है जीते हैं और 36 पुरस्कारों के लिए इन्हें नामांकित किया गया है। यह एक बेस्ट फिल्म अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत की और अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए अभी तक इन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। और यह एक अच्छे एक्शन फिल्मों में और कॉमेडियन फिल्मों के लिए अक्षय कुमार को जाना जाता है। उनकी शादी ट्विंकल खन्ना से हुई 2001 में और इनके दो बच्चे हैं, आरव और एक लड़की है। और इनकी सास जो है ससुर राजेश खन्ना है और सास इनकी डिंपल कपाड़िया है।